तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी झालर वाली, उसमें आपने कमेंट किए थे कि हमें इस झालर की वायरिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, तो मैं उसी को लेकर आज वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास ये तीन झालर, इसमें से एक येलो और दो रेड कलर की है। तो आप भी इन तीन झालर को ले लीजिए, उसके बाद में आपको इसकी वायरिंग को समझाता हूँ। तो देख सकते हैं हमें सभी झालरों में दो वायर देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी दो वायर है। हमें तीनों झालरों में दो दो वायर दिखाई दे रहे होंगे, और मैं आपको इसे जलाकर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जल रही है। उसके बाद हम इन दूसरी झालरों को ले लेते हैं, इसमें भी दो वायर है, और तीसरे में भी हमें दो वायर देखने को मिल रहे होंगे। तो हम इन तीनों झालरों को ले लेते हैं एक साथ। और देख सकते हैं मेरे पास ये कंट्रोलर। तो मैं इस बॉक्स का नाम और इसे हम कहां से खरीद सकते हैं वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को जरूर से पूरा देखते रहें। तो देख सकते हैं हमें इसमें दो इनपुट वायर दिखाई दे रहे होंगे, और आउटपुट वायर हमें इसमें सोल्डरिंग कर इस बॉक्स को खोल कर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे खोल कर इसमें सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है, और अब हमें इसमें एक प्लेट दिखाई दे रही होंगी, तो हम इसमें ही सोल्डरिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये एक इनपुट वायर निकल चुका है, तो मैं इसको फिर से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसकी दोनों इनपुट वायर पर कुछ सोल्डरिंग कर ली है, और ये मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ। तो ये हमारी साइड वाला कॉमन वायर है, और ये बीच वाला एक नंबर और साइड वाला दो नंबर है। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, और इसमें मैंने किसी भी प्रकार का फास्ट मोशन नहीं किया है। तो देख सकते हैं इसमें दो इनपुट वायर है, तो हम उसमें से एक को ले लेते हैं, और दूसरी झालर को ले लेते हैं, और उसके भी एक वायर को ले लेते हैं। तो हमें इन दोनों झालरों में से एक एक वायर को ले लेना है, और आपस में अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने इन दोनों झालरों के एक एक वायर को आपस में अटैच कर दिया है, और उसके बाद तीसरी झालर के भी एक वायर को इसके साथ अटैच कर दिया है। तो मैं इसके एक एक तीनों झालरों के एक एक वायर को आपस में अटैच कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इन तीनों झालरों के एक एक वायर को आपस में कनेक्ट कर लिया है। और हमारी तीनों झालरों के एक एक वायर बच चुका है तीनों झालरों में। उसके बाद हमें दोनों रेड वायर के एक एक वायर जो बचा था उसे आपस में कनेक्ट कर देना है। तो मैंने इन दोनों रेड झालरों के एक एक जो बचे वायर थे उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया है, और ये तीनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और हम उसके बाद इस कन्वर्टर को ले लेते हैं, और देख सकते हैं ये वाला जो वायर है हमारा कॉमन वायर है, जो हमें एक साथ ये यहाँ तक आता दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉमन वायर है। और हमें इस कॉमन वायर पर ही इन तीनों जो हमने एक साथ वायर को अटैच किया था उस पर लगा देना है। तो मैं इस पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। We'll be right back.
तो देख सकते हैं हमने जिन तीनों वायर को एक साथ अटैच किया था उसे कॉमन वायर पर जोड़ दिया है। उसके बाद हमें जो 2000 के वायर को एक साथ अटैच किया था उसे ले लेना है और उसे कन्वर्टर के बीच वाले वायर पर लगा देना है दूसरे वाले पर। तो मैं इसे बीच वाले हिस्से पर लगा देता हूँ कन्वर्टर के। तो देखते हैं मैं इस दो जो जालरों के वायर को एक साथ अटैच किया था उसे बीच वाले हिस्से पर लगा लिया है कन्वर्टर के। तो देख सकते हैं मैंने इस बीच वाले हिस्से पर दोनों जालरों के वायर को अटैच कर दिया है एक साथ। और उसके बाद हमें जो 3 पिन दिखाई दे रहे हैं थर्ड वाली पिन उस पर इस पीले वाले अकेले वायर को अटैच कर देना है। तो मैं इसे थर्ड वाले पिन पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारी ये वायरिंग ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये वायरिंग समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमने जो ये कॉमन वाला वायर है उसके वहाँ पर तीनों झालरों के एक एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है उस पर हमने दोनों रेड वायर के जो दो बचे वायर थे उसे एक साथ कनेक्ट कर दिया है और हमने इस पीले वाले झालर के एक वायर जो बचा था उसे तीसरी पिन पर कनेक्ट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वायरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी आपको यह समझ में नहीं आई हो तो फिर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो मैं इसे फिर से पैक कर देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं अब। और ये हमारी सोल्डरिंग और वायरिंग पूरी हो चुकी है और अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी ये झालरें बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग कर रही है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लिंकिंग हो रही है। तो देख सकते हैं मैं इसकी इफेक्ट चेंज कर देता हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग कर रही है। और इस बॉक्स का नाम है रनिंग बॉक्स और आप इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे से आसानी से खरीद सकते हैं या आप इसे पुरानी रनिंग लाइट में से भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसके बहुत ही सारे इफेक्ट है जो उसे चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।